नमस्कार, पिथौरागढ़ से आज के मुख्य समाचार। न्यू कॉलोनी भाटकोट में दिन दहाड़े हुई कपड़ों की चोरी, चोर हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद। इधर डीडीहाट के प्रसिद्ध मंदिर सुंदरी नाग में भी चोरों ने दान पात्र तोड़कर की चोरी। पिथौरागढ़ नगर के भाटकोट में शुक्रवार की प्रातः लगभग 11:30 बजे प्रवीण सिंह और सीता देवी के घर में छत पर सूखने को डाले गए कपड़ों को चोर ले उड़ा। वहीं पास में मनोज कुरुंगा के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर कैद हो गया। भाटकोट में जहां चोरी हुई उससे 200 मीटर की दूरी पर जनपद के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य उच्च अधिकारियों के आवास भी हैं। कुछ देर बाद पता चलने के दौरान आसपास के लोगों ने चोर की ढूंढ खोज की, लेकिन चोर का कुछ पता नहीं चल सका। चोरी की सूचना पुलिस को दे दी गई है। इधर डीडीहाट तहसील के भातड़ में प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर सुंदरी नाग के मंदिर में गेट व दान पात्र का ताला तोड़कर चोरों ने पात्र में रखी पूरी धनराशि चोर दी। मंदिर के पंडित पीयूष उपाध्याय ने बताया कि दान पात्र बीते 2017 से नहीं खोला गया है, उसमें हजारों की धनराशि होने की बात कही है। मंदिर के पुजारी कौशपदानंद जोशी, धर्मानंद पंत, भुवन चंद्र, बसंत पंत, प्रहलाद मेहता, बलवंत सिंह सहित अन्य लोगों ने राजस्व उपनिरीक्षक को चोरी की सूचना दे दी। इधर नगर के दौला में भी पूर्व प्रधान ने सोलर लाइट की 4 बैटियां चोरी होने की बात कही है। उन्होंने बताया कि इसकी सूचना 2 दिन पूर्व पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन अभी तक चोरों का कुछ पता नहीं चल पाया है। उन्होंने शीघ्र चोरों को पकड़ने की मांग की है। आज 888 सैंपल में से मिला एक कोरोना संक्रमित। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में शुक्रवार को एक कोरोना संक्रमित मिला है। 9 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एंटीजन के 363 एंटीजन सैंपल में से एक कोरोना संक्रमित पाया गया और आरटीपीसीआर के 525 जांच रिपोर्ट में से कोई भी व्यक्ति संक्रमित नहीं मिला है। 9 कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। जनपद में वर्तमान में 23 केस एक्टिव हैं। 2 सूत्री मांग को लेकर पवाधार व सड़क निर्माण मांग की मांग को लेकर सुरखाल पाठक का आंदोलन जारी। पिथौरागढ़ के गंगोलियाट तहसील में 2 सूत्री मांग को लेकर पवाधार संघर्ष समिति का आंदोलन जारी है। धरने पर आज पूर्व प्रधान महेश लाल, सुंदर राम, गोपाल राम, जीत राम बैठे थे और समर्थन में संजय सिंह, मदन सिंह, चंद्र सिंह, राहुल सिंह, कृष्ण सिंह, संदीप सिंह उपस्थित थे। साथ ही मड़कनाली से सुरखाल पाठक मोटर मार्ग निर्माण संघर्ष समिति का क्रमिक अनशन 5वें दिन शुक्रवार को जारी रहा। आज अनशन में राजेंद्र सिंह, पुष्कर सिंह भंडारी, कृपाल सिंह, राजेश सिंह बैठे थे और समर्थन में ललित सिंह, गोपाल सिंह, जगत सिंह, महेश सिंह, गोपाल सिंह, हरीश सिंह, केदार सिंह आदि मौजूद थे।